हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 से एग्जांपल नंबर 5। टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्लेज अ टेनिस मैच। दो फ्रेंड्स हैं, दो प्लेयर्स हैं संगीता एंड रेशमा, वो एक टेनिस मैच प्ले कर रही हैं। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है कि संगीता के विन होने की, संगीता के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है मैच को, वो 0.62 हमें गिवन है। तो क्योंकि 0.62 हमें इसलिए क्योंकि किसी भी इवेंट के जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज किसके बीच में होती है, 0 और 1 के। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी और इक्वल हो सकती है, बट 1 से छोटी और इक्वल हो सकती है। यानी 0 और 1 के इक्वल हो सकती है या फिर इनसे स्मॉल हो सकती है, 0 से बड़ी और 1 से स्मॉल होगी। तो आप यहाँ पे देखो, संगीता ने जो मैच विन किया उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0.62 गिवन है। तो टोटल जो इन दोनों का मैच चल रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होगी। 1 में से इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारी 0.62 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? अब आप यहाँ पे देखो, दोनों मैच प्ले कर रही है, तो दोनों यहाँ पे एक कोई विनर होगा तो एक लूज़र होगा। दोनों में से कोई भी एक विनर हो सकता है, संगीता भी विनर हो सकती है, रेशमा भी विनर हो सकती है, दोनों मैच प्ले कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि संगीता के विन करने की प्रोबेबिलिटी ये, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो 1 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि जब संगीता हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी। तो आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ से ये इस बात को आप यहाँ पे देखो कि रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी है। जब संगीता हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी। तो संगीता ने मैच विन किया। अब आप यहाँ पे एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किसी भी इवेंट के होने की और किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमारा 1 होता है। तो ये संगीता के विन करने की प्रोबेबिलिटी, मैं आप यहाँ पे लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता के विन करने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता के विन नहीं करने की, यानी कि उसके हारने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे जब संगीता हारेगी तो ऑटोमेटिक कौन जीतेगा, रेशमा जीतेगी, वो मैच को विन करेगी। तो पी ऑफ एस बार हमारा पी ऑफ आर के इक्वल है, यानी रेशमा के विन होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी के। तो अगर हमें यहाँ पे संगीता के विन करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम संगीता के गेम को लूज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, वो हमारी इसके इक्वल हो जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन इसमें समझना है, इसमें आपका रेशमा का कुछ फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस यानी संगीता नहीं जीते वो फाइंड करेंगे, तो वो हमारे रेशमा के विन करने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आइदर संगीता और रेशमा कैन विन द मैच, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, गिवन, अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता संगीता विंस। अगर संगीता जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी हुई, 0.62। तो दिस इम्प्लाइज, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेशमा के विन करने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विंस, वो हमारी कब होगी, रेशमा कब विनर बनेगी, जब संगीता गेम को लूज करेगी, संगीता हारेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, चाहे आप ये फाइंड कर लो चाहे आप ये फाइंड कर लो, वो इक्वल है। तो हम ये फाइंड करना हमारे लिए इजी है, तो हम पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, वो इसके इक्वल हो जाएगा। डज नॉट विन, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही फॉर्मूला बता रखा है, किसी भी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है। तो होने की हमें गिवन है, नहीं होने की चाहिए तो 1 माइनस से प्रैक्टिक करना है। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो हमें पी ऑफ ई बार चाहिए, या फिर आप इसको क्या करो, ये हमारा फॉर्मूला है ना, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार, यानी कि इसको हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार कह रहे हैं, वो विन नहीं कर रही है, इक्वल टू 1। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार या नॉट एस, तो वो हमारा हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता डज नॉट
विंस इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विंस. ओके इजी, थोड़ा सा यहाँ समझने में ट्रिक्स है, बाकी कैलकुलेशन बहुत इजी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विंस हमें कितना गिवन है, 0.62. तो अब सब्ट्रैक करो 1.00 में से 0.62. इस तरह से हम नंबर को अरेंज कर दे, डेसिमल के साथ ही डेसिमल आएगा. तो यहाँ 1 के साथ डेसिमल नहीं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. तो यहाँ 0-2 नहीं होता, तो 1 से एलसीएम लेंगे, ये 10 हो गया. फिर 10 इसको एलसीएम देगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा. 10-2 इज 8, 9-6 इज यहाँ पे हमारा हो गया 3. और ये डेसिमल और ये 0.00, तो 0.38 हो गया. यानी कि संगीता के नहीं जीतने की प्रॉबिलिटी 0.38. तो संगीता नहीं जीत रही है, तो फिर कौन विनर बन रहा है, रेशमा. तो प्रॉबिबिलिटी ऑफ रेशमा wins the match, यहाँ this implies क्योंकि ये नहीं जीत रही तो ये विनर बन रही है, इक्वल टू 0.38. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.